हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8th चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी टेक्निक को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है तो हम बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या नहीं करना है। xy प्लस 3z होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है xy प्लस 3z इनटू xy प्लस 3z। तो अब करने को तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम डबल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं, इस वाले एक्स वाई को दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करें, फिर इस वाले 3z को फिर से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें लाइक टर्म्स। लेकिन हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करनी है तो हमने चार स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज करी हैं, जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब क्योंकि क्वेश्चन में प्लस साइन है तो ये दोनों आइडेंटिटीज तो एप्लीकेबल नहीं है। तो अब बची ए प्लस बी होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्योंकि क्वेश्चन में होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम लगाएंगे और उसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहां मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो कहीं कहीं पे गलतियां अवॉइड करी जा सकती हैं। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में उस चीज पे भी रोशनी डालूंगी। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर का मतलब है आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे ये यूज करते हैं, कुछ बच्चे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज करते हैं। दोनों आइडेंटिटी, दोनों फॉर्म आइडेंटिटी का सेम ही आंसर देंगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा वाला फॉर्म यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको ऊपर वाले फॉर्म से करके दिखाऊंगी। तो ये वाला टर्म ए है, ये पूरा टर्म बी है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर। अब अगर आप होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे जो गलत हो जाएगा। होल स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स का स्क्वायर करा जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने जो भी ए बी माना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई होल स्क्वायर का मतलब एक्स वाई इंटू एक्स वाई, तो आपका दो बार एक्स आ रहा है। अगर आप एक्सपोनेंट्स का रूल लगाएंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही वाई भी दो बार आ रहा है तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब हम एक्स वाई होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म है 3z होल स्क्वायर, विच मीन्स 3z इंटू 3z। अब 3 टूजा नहीं कर दीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर का मतलब नीचे का नंबर दो बारी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर 2 है। तो 3 3 9 और z इंटू z की पावर 2। तो नेक्स्ट टर्म बी स्क्वायर विच इज 3z होल स्क्वायर विल बी 9z स्क्वायर प्लस।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 सिक्स, फिर एक्स वाई और जेड। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 6xyz। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com फॉर फ्री स्टडी मटेरियल लाइक सैम्पल पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट, ऑनलाइन टेस्ट and concept notes made by the teachers of leading schools in India.